जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा महोदय, बड़ सुंदर भाव में महाप्रभु कथा को भक्ति रस अवगाहित करुले। देखुं आपण मैने सिंहद्वार दृश्य, बड़ सौंदर्यमय सांध्यकालीन दृश्य, एवं सेपटे चली भगवान श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साई जात बुलुंट भ्रमण हा ये सुंदर भाव देखुं। पुष्प द्वारा सज्जित सुसज्जित रथ, एपटे गोटे अश्व जोचा है, हाँ बढ़िया सुंदर देखा जाऊँ। विराजमान कले सर्वप्रथमे जे कि ऋष्य श्रृंग, बढ़िया कथा ये ऋष्य श्रृंग कथा आप देखु। रामायण महाभारत भागवत ये सब ग्रंथ को देखला बेलू सर्वप्रथम रामायणर प्रथम यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ रे जे कि ऋष्य श्रृंग भूमिका अग्रगण्य बसुंच। ये देखते बड़ सुंदर भाव आग को जामी के हिसाब से बसुंच। दृश्यटा आप देखिए श्रृंगी मुनि कथा आसे, ऋष्य श्रृंग कथा आसे, एवं रामायण एक गुरु परंपरार वादर कथा आसे। पाखरे राम आउ लक्ष्मण दुईपटे आउ न्याय तो देखा गले ये रामायण एमती गोटे ग्रंथ परिवार को माने मार्जना करिवार ग्रंथ जहाँ कि रामचरित मानस हिसाब से रामायण हिसाब से रामायण शतकोटी अपारा राम जन्म हेतु अनेका ये अनेक हेतु भितरे आज श्रीराम नवमी उत्सव कालिका देवी साईरु ये जो साई जात आप देखुं सात साई बयालीस कंदी बड़ सुंदर भाव में आपण मानक अवगाहित करूले पंडित मंडली आम पद्मनाभ सुध मान रथ शर्मा कड़े सुंदर भाव में पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा तेब आप देखुं। ये महाप्रभु मानने जान रे जाऊँ देवजान बा रथ ये रथ से विराजमान कर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आप देखु राम मुखमंडल एवं भरत मुखमंडल आउ शत्रुघ्न लक्ष्मण ये कथि के सौंदर्यपूर्ण आपण मैंने देखुं। अर्थात राम भरत कैकेयी पुत्र भरत कौशल्या पुत्र होती किए से भगवान श्रीराम अन्य पक्ष सुमित्रा दुई पुत्र जे कि लक्ष्मण आ शत्रुघ्न शत्रुहन बोली कई मान श्रीरामचरित मानस शत्रुघ्न कारण जीव शत्रुघ्न उच्चारण जो आसे जीव बास्तव रे माने कृतज्ञ हवा दरकार किंतु केतेबेले कृतज्ञ हवा माने आद उचित नुहे किंतु एठी से सीधा सड़क शत्रुहन हन अर्थात निपात जहाँकर नाम स्मरण मात्र के शत्रु माने निपात हो जाती। एटी घोड़ा घोड़ा बा घोटकी जहाँ भी हो आप देखुं दक्षिण द्वार गोटे द्वार अश्व द्वार एवं चंचल प्रतीक साई जातरे भ्रमण करूँ प्रत्येक जगार भ्रमण कर बड़ सुंदर भाव ये साई भितर प्रवेश करते सुंदर आप देखुं। ऑल टाइम मनी भी अच्छी दरकार पड़े भी जी बुलूं किसी पाई से बाहर करदे एटे सुंदर दृश्य साई दांडर दृश्य तेबे गोटे बढ़िया कथा आसे कौन ना महाप्रभुंर ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिराम महाप्रभुंर माने समस्त लोकरे राम नाम बंदौ राम नाम बढ़िया कथाटी आसी राम नाम सुशीतल प्रतीक राम नाम बंदौ राम नाम रघुवर को हेतु क्रेशानु भानु हिमकर को तीनिटी बीजरे राम नाम सृष्टि सूर्य बीज चंद्र बीज एवं अग्नि बीज एपटे आर मान रथ आरोहण कले बढ़िया कथा गुरु परंपरा रे ऋष्य श्रृंग मुनि कथा आसी सर्वप्रथमे जहाँकि ऋष्य श्रृंग मुनि को पाइबा असंभव थिला। रामायण प्रथम ग्रंथ जीए माने परिवार सृष्टि करिवार ग्रंथ लोकाचार ग्रंथ रामायण इज द आवर क्लासिकल लिटरेचर कारण निच्छक ग्रामीण कहानी जोठी विभाण ऋषि आश्रम ऋष्य श्रृंग दिने का देख नथिले किंतु सेठी किए से आणव कही पाखक जापरवे शेष को बेसिया सार दारता जा पहुँचला जहाँ कहला सुवर्ण थाली दिगला शेष को बढ़िया सुंदर कथा सीटी आसे बेसिया सार जारता तारता हो गला बनुआ जन्म तपसी आणबी बोला
ବେଶିଆ ସାର ଏଠି ବହୁତ କଥା ଏଠି ଆସିଛି, ଗଲା ତ ଗଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ନିଜେ ଯାଇ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ୱ ରମ୍ବା ମାନେ ଫଳ ନେଇ ଏବଂ ପଇଡ଼କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏମିତିକି ନିଜ ମାନେ ମାନେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ତମେ କାହାକୁ ପୂଜ ନା ଆମେ ଶିବ, ନା ଆମେ ବି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜୁ, ନା ତମ ଶିବ କେଉଁଠି, ନା ଆମ ଶିବ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପଥର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ପଥର ପାଷାଣ ଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲିଙ୍ଗ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ନା କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଯେତେବେଳେ ଉରଜ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବାସାନ୍ତର କରି ଋଷି ଦେଖୁ ପୟୋଧର, ବୋଇଲେ ହେ ହର ହର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନକୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଋଷି ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ମହାଦେବ। ସେଭଳି ଋଷିଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏଠି ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ, ଋଷି ଯାହାଙ୍କ ମଥାରେ ଦୁଇଟି ଶୃଙ୍ଗ ଭଳି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଙ୍ଗ ଭଳି ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଋଷି ନିଜେ କେହି କେହି କିଛି ମତରେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ନିଜେ ଶିଙ୍ଗରେ ଟେକି ଧରିଦେବା କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ଏବଂ ଋଷିଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବା ମସ୍ତକରେ ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ଆକୃତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ଏହା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନେକ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ଜାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଠି ଆସେ, ଏକ ରୋଚକ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତୁଲସୀ ତୁଲସୀ ସବ୍ କହତେ ହେଁ ତୁଲସୀ ଜଙ୍ଗଲ କି ଘାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି କୃପା ସେ ମେ ବନ ଗିଆ ତୁଲସୀ ଦାସ। ତୁଳସୀଙ୍କ କଥାରେ ଆସେ, ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ, ରାମ ନାମ, ରାମ ନାମ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଏକା ରାମ ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ଶସ୍ତ୍ର ନାମ ଫଳ ଅଟ ଇ ସମାନ, ଏଣୁ କରି ରାମ ଚରିତ ବଖାଣ କରିବାକୁ ହେଲା ମନ, ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀ ତିଥି, ଯଦି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ନଥାନ୍ତେ ରାମାୟଣର ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନଥାନ୍ତା। ଯଦିଓ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ତା ପ୍ରାୟକର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ନହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମଚରିତ ମାନସ ବା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ, ଯେଉଁ ନଅଟି ଅକ୍ଷର, ତାହା ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ରାଜ ମାନେ ଯିଏକି ରାଜବାହନ, ବିଶେଷ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଠି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱରେ ଅଶ୍ୱ ଯିଏକି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବନବାସ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ନା, ନାମକରଣ ତ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବା, ତାପରେ ଅଶ୍ୱ ମାନେ ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ନିଜେ ବିବାହ କଲେ କାହାକୁ ନା ଶାନ୍ତା ଆଉ କାନ୍ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଜଣେ ଋଷି ଯିଏ ନାରୀ ନୟନ ମାନେ ନାରୀ ଦିନେ ଦେଖିନଥିଲେ ମୁଖ, ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ବାହା ହେଇକି ଘର ସଂସାର କଲେ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥାରେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବାହାଘର ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଧନୁଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେଠି ସେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଗ ବରଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ପଛରେ ବରଯାତ୍ରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ପର ପ୍ରଥମରୁ ତ ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ରାଜକୁଳ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ସିଦ୍ଧ ତପା ମହାଜନ, ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଯାର ଉନ୍ମିଳିତ ହେଲେ କର ତଳେ ତ୍ରିଭୁବନ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଆସିବା ନ୍ୟାୟରେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଜଣେ ଗୁରୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ରୋଷେଇ ଘର କ'ଣ ଇଏ ପୁରା ଏକଦମ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆସିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାରେ, କାରଣ ରାଜ ଉପଚାରରେ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଛି ଆଗରୁ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି
कौशल्या माँ बोली कहते जहाँ को कह जाए कालिका देवी साई रू जिते आसिले बाहर की ताको अयोध्यापुरी बोली कहीं कहते पुणी कालिका देवी साई की अयोध्यापुरी कहार अर्थ कौन ना यही नवरात्रि समय जहाँ कि नवरात्रि पूजा माँ को पूजा करी दशरथ कौशल्या मान ये सब यज्ञ द्वारा चौरवर्ण प्राप्ति एवं जितेबले महाप्रभु आसी माने प्रगट होती प्रगट है चारो भैया अबध में बाज बजैया ये जो प्रसंग है वर्तमान ओल्लैले धीरे धीरे अवतरण करुछंती महाप्रभुंकर दर्शन एत सौंदर्यमय दर्शन जो दर्शन को आपण माने सिंहद्वार सम्मुखरे आपण देखुछंती पहुँची गलेनी एवं महाप्रभु निजे भीतर को जीवार विधि वर्तमान आपण देख श्रीमंदिर भीतर को वर्तमान प्रवेश ये हूँ गोटे सुंदर साई जातर सात साई बयालीस कंदी भितर आपण मैंने प्रत्येक दिन आज हूँ श्रीराम जन्म नीति आप आश्चर्य हे गोस्वामी तुलसी जन्म 1554 मसीह जहाँ कुछ आप मिसेबे एक युक्त पाँच पुणी युक्त पाँच अर्थ छः पाँच एगार चार आपत जदि ये हिसाब से देखिए 1554 मसीह जन्म एवं तिरोधान होती 1680 या 1680 रु 1554 को जदि वियोग करेंगे तेल अवधि होती 126 वर्ष एक युक्त दुई सामने तीन युक्त छः सामने नौ अंक ज्योतिष हिसाब से नौ अंकर महानता सृष्टि करे जैकि आज हूँ श्रीराम नवमी तेना आप देखुं दुईज जाक श्याम गौर शरीर ये जितेबले अच्छा भरत शत्रुघ्न एवं राम लक्ष्मण कथाटी नीलांबुज श्याम को मलांगम सीता समारोपित माम भागम बोली कह जाए पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम तेणु एठी गोटे कथा आसी कारण कौन ना ये हूँ लीला आज दिन में पुत्र जन्म सुनिकाना मानई सुख ब्रह्मानंद समाना आज दिन टी अति सुंदर भाव ब्रह्मानंद सुख प्राप्ति होते दशरथ किंतु अति चपल मती रोदन करुले किंतु वर्तमान परिस्थिति आप देखुं तारी परंपरा को उज्जीवित करने मझीरे गुरु जे कि ऋष्यशृंग एवं अन्य पक्ष राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये दुईज जणे श्यामल जणे गौर अन्य पक्ष जणे श्यामल जणे गौर महाप्रभु पाखे दंडायमान वर्तमान प्रवेश करने को जातर को धीरे धीरे सिंहद्वार सम्मुखें आपण मैंने देखुं तेब यही जो कथाटी आसे आपण देखिए ग्रंथ आरंभर जो कथा आसी जितेबले श्रीरामचरित मानस ग्रंथ आरंभ करा जाए ताले से कौन अच्छी दुईट मानने संख्या आसे एक युक्त आठ जहाँकि नर्थ ग्रंथर श्रीराम चरित मानस या जदि आप देखिए संख्या न एवं पूर्ण होगा जहाँ कह जाए अंक न अर्थात परिपूर्ण अंक जी कि न तेणु ग्रंथ आरंभ कथा को आम जब आसवा 1631 मसीह संत तुलसी आरंभ करते त्रेताया युगर राम जन्म तिथि ग्रंथ समाप्तिर अवधि 2 वर्ष 7 मास 26 दिन लगी जहाँ 2 + 7 समान न अन्य पक्ष मार्गशीर शुक्लपक्ष राम विवाह दिन अर्थात 1633 मसीह एक आसे जे यार अक्षर 2 + 6 = 3 समान न तेणु राम जन्म नवमी सीता जन्म नवमी ग्रह संख्या न न ग्रह समग्र विश्व श्रेष्ठ एवं शेष अंक जे कि न एक ठार् न पर्यंत मिसेले गुणिले उभयर संख्या न सिंहद्वार दृश्य देखुं आपण मैंने बड़ सुंदर भाव में सिंहद्वार दे प्रवेश करे भी हुए सिंह महाप्रभु जहाँ को कह जाए श्रीराम जी कि भगवान जहाँ नाम अति शीतल प्रतीक आउ सरल प्रतीक राम नाम उच्चारण टी अति सरल प्रतीक रा शब्द उच्चारण रे कौन हुए ना अंतर खोली जाए म शब्द उच्चारण रे कौन हुए ना मुख बंद हो जाए अर्थ अंतर्निहित शब्द रे राम शब्द एत सरल उच्चारण पाई अति माने बलिष्ठ एवं जहाँकि गोटे थर जत राम नाम उच्चारण करा जाए विष्णु सहस्र नाम पाठ करिवार फल मिली थाए तेणु एठी जाऊँ राम लक्ष्मण ऋष्यशृंग गोटे सुंदर कथा आपण देखुं नाली पताका एक ये ध्वज बा ध्वजा जहाँ को लेकिन ये जन्मतिथि महानता बढ़ेवाई आपत देखिए उपनिषदर एक मान 108 1 + 8 9
जपामाली संख्या 108-9 आज वास्तुदेवता एकादशी जी कि जी मध्य न बोली कहुए तेणु आपको नवान पारायण राम कथ जो हुए नवान पारायण होता है नवरत्न नवनिधि नवरात्रि नवदुर्गा नवाक्षरी भागवत नवकोटि कात्यायनी नवग्रह नवदा भक्ति नवदिन जात्रा ये सबू नौर संख्या को महानता प्रदान करने नवमी तिथि महाप्रभु श्रीराम जन्मलाभ कर जन्मलाभ करवा नवमी तिथि आज 22 पहाच दे भीतर को प्रवेश करुंट आपड़ देखुं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाप्रभु अर्थात ये भीतर को जीवा ये तो राम जोई राम सोई जगदीशा ये तो सुंदर कथा किंतु जेहेतु भगवान श्रीराम होती अवतार शेष भय लक्ष्मण अर्थात शेष दर्शन जी लक्ष्मण एवं निजे महाप्रभु ठारे देखुं बड़ दौल सुंदर पतित पावन बाना उड़ीवार फरफर दृश्य फरफर ही उड़ूची अति आनंद हिसाब माने आनंद सही आनंद प्रदान करूँ जो सुख ब्रह्मानंद सुख परमानंद सुख ये जो सुख को दशरथ पुत्र जन्मर कांदना शुणिकी जो अनुभव करते जहाँ को आपण मैंने देखुं एपटे अरुण स्तंभ में चैताली पवन चैती पवन बड़ा सुंदर भाव में मानने प्रवाहमान हो दक्षिणा पवन तेणु ये दक्षिणा पवन में आपत देखुं एपटे अरुण स्तंभ उपर जो वस्त्र बंधा जाए सीए उड़ू तेणु ये उड़बार दृश्य आज समस्त मन पवन विशेष जगार आज ठारू नवान पारायण आरंभ कर रामनवमी कथा तेणु ये सब भितर आपड़ी देखिए ताहले बड़ आनंदर कथा कौन आप भल छतीसा निजोग सेवायत महाप्रभु पाखे जहाँ को छतनी नौ कहुए तेरे कथा से कौन ना भगवान अष्टादश अवतार श्रीराम जगन्नाथ अष्टादश अवतार श्रीराम आसती व 18 अवतार भागवती अनुचिंतार तेणु ब्राह्म कृष्ण जे कई हूँ नृसिंह बामन ये महाप्रभु आज्ञामाला सब प्राप्ति हूँ महाप्रभु को समस्ते नेति नेति कही प्रणाम करती कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथ होती ये समस्त इष्ट आउ समस्ते पार्षद तेणुक महाप्रभु पाखक जीवा ये हूँ भक्ति नवेदन करार कथा तेणुक आपण मैंने देखिए भागवत श्लोक संख्या 18,819 अष्टादश पुराण 1,89 देवता 33 गोटी बा कहा जाए जहाँ को 3×3 समान 9 तापर आप देखिए गिनेमिक यज्ञशाला जोगींद्र मानक संख्या से कि 8,19 कपिल भगवान कपिल भौणी संख्या 9 नक्षत्र मानक संख्या 27,2 समान 9 महाप्रभु जगन्नाथ स्नान बेदी को जितेबाड़ जाती तार सोपान संख्या 9 अनंत शयन पहाच पाखे मान पाखे पहाच संख्या 9 महाभारत सैन्य संख्या 18 क्षेणी जहाँ 8,19 बासंतिक दुर्गा पूजा जहाँ ये चैत्र मास नवरात्रि पूजा ये हूँ नवदिनात्मक पूजा अष्टादश मान वंशर आपत देखिए राजा महाभारत युद्ध में अंशग्रहण करते जी कि आप कपट पसार शेष संख्या 1,89 जरासंध द्वारका आक्रमण 18 थर करा जहाँ 1+8 समान 9 राम अक्षर संख्या जहाँ को आपत रुक्त आ युक्त म कहले 5+4 एर 5,4,9 आप सीता अक्षर संख्या सयुक्त इ युक्त तयुक्त आदि मिसेबे ता हूँ 9 ब्रह्म जदि आप देखिए 1 ब्रह्म द्वितीय नास्ती आपत देखिए ब्रह्म ध्वजा कहुए जी उपर उड़ू फरफर बयुक्त रुक्त हयुक्त म अर्थात अक्षर गुड़िकर संख्या को जदि आप देखिए 108 हुए ता हूँ 9 यज्ञ पवित न गुण में प्रस्तुत कराए सूता 9 गुण संख्या जहाँ हूँ 9 महाप्रभु शरीर में पतित पावन भगवान को देखुं ता हूँ 9 अर्थात नवग्रह शरीर में विद्यमान तेणु ये आप देखिए आमर भरत नाट्यशास्त्र जो रस अच्छी ता हूँ कौन नवरस वैष्णव लक्षण हूँ 27,2+7 समान 9 केतक रामायण मतरे सीता 9 मास लंकार अवस्थान करते विद्या संख्या अष्टादश विद्या तेणु 8+1,9 भगवान दुई पादर राम दुई पादर आप देखिए मान अष्टादश चिन्ह 9-9 चिन्ह अर्थ 1+8,9 श्रीरामचरित मानसर अक्षर संख्या आपत जदि देखिए ताल मान जहाँ को मानस अक्षर संख्या 9 तेणु 9 मास पर्यंत माँ गर्भरे शिशु रही थाए से मात्र 10 दिन यथा 280 दिन में शिशु भूमिष्ठ होता है तेणु ताकु 9 बोली कहा जाए प्रत्येक मनुष्य शरीर में 9 उन्मुक्त द्वार अच्छी ब्रह्मरंध्र को अलग हिसाब करा जाए तेणु नव द्वार कहा जाए नव जोगींद्र कथा आसे तेणु ये जिते सब कथा आसी आपण मैंने देखिए गोस्वामी चारिखानी जीव को मुक्ति करिवार कथा राम जन्म रे चारिखानी जीव मुक्ति लाभ करिछंती अर्थ कौन
ना अंडज उद्भिज जरायुज स्वदेज समस्त को माने से सीताराम कहीकि प्रणाम कर राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी अर्थ अंडज जे कि पक्षी समूह बार्डस जरायुज जो माने गर्भरु जात उद्भिज होती जो माने वृक्षलता तरुतृण स्वेदज होती कृमि तथा सरीसृप माने ये चारिखानी जीव को महाप्रभु प्रथम तुलसी वंदना करिचंती चारिखानी जीव को शीतलता प्रदान करिचंती राम रूप से महाप्रभु श्री जगन्नाथ तेणु कालिदासंकर पदा माने पदा अनुसरण कर निज को अति न्यून करिचंती जे कि तुलसी कौन कहिचंती कुसुप्य प्रभव वंश क्वचा लिप विषया गति रघुवंश रे कालिदास एक कथा वर्णना करिछंती सेइतिपई संत तुलसी कहती कहाँ रघुपति के चरित पारा काही मती मोरी निरता संसारा। श्रेष्ठ कथा ओडिया रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक भाषा रे बड़ सुंदर कथा आसे ए महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करी रामंक रूप रे वर्णना करिबा निजे जगन्नाथ को राम रूप से वर्णना करी वैदेश विलासर रचना करिबा एक श्रेष्ठ कथा से लेखिले वाल्मीकि व्यास कवि जहींरे महाकाव्य के रचना करे महानाटक बात सूतरे हेले रचिता जे बिहिले काव्य जे कालिदासे चंपू रचना भोजन रे से कृपा सीधाए गीत प्रकाशे छाड़िली चिंता जे यार अर्थ कौन आपण देखते एति कथार उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओडिशार गर्व और गौरव जहाँ को चौखंबा प्रेस रे मध्य से वाल्मीकि माने आमर जहाँ को वैदेश विलास को मध्य हिंदी रे अनुवाद करी अर्थ से ही लेखा हिंदी अक्षर रे परिणत होई ताकु मध्य ओडिशा बाहर लोक माने अध्ययन करुछंती एटी कौन कहिछंती से देखंतु वाल्मीकि लेखिले वाल्मीकि रामायण एवं व्यासंकर अध्यात्म रामायण एवं महाकाव्य जे को उद्भट मुनिकर उत्तवर रामचरित मानस महानाटक हनुमान जहाँ को लेखिंट बातसूत कालिदास लेखिले रघुवंश भोजराजा लेखिले चंपू नारायण रामायण ये सबु बृहत बृहत नक्षत्र मान कह को कहीकि वैदेश विलास कहले बहरी ज्योतिरिंगण गण ज्योति की देखती पुण सुजने मोर महिमा शुण छांदर चई जे ए हूँ मोर एम निकटने मुझे गोटे जुड़ुजुआ पोक तेणु यह मध्य उत्कलवासी को सामान्य आलोक दे पार यही कथा को कही सी आरंभ करते आहरी गोटे कथा आप देखिए राम कथार आज तो राम कथा साई जात चली साई जात भितर प्रत्येक दिन गोटे गोटे लीला एवं आज हूँ राम जन्मक लीला तेणु राम कथार नारद वाल्मीकि शंकर विश्वामित्र परशुराम ब्रह्मा इंद्र परिशेष भरत आदि सन्थ मैंने निजक अति न्यून कर जहाँ को आपण माने संत अच्युत भाषा जानते भक्त देखाइला स्तंभ कुस्तंभु हेल उदित भृत्यर भृत्य परिवृत्य भणे दिन अच्युत एमाने सब न्यूनता परिपोषण करिचंती तबे आउरी गोटे कथा आसे एठी आपण माने मने रखंतु जिए अन्य को दुख दिए से अन्य को माने सुख दिए से होची देवता जे दिए जिए अन्यर माने दुख हरण दिए अन्य को दुख दूर करे से माने माने कौन ना माने अन्य को दुख दबा होची दानव अन्य को सुख दबा अन्यर दुख को दूरे दबा होची देवता अन्यर दुख को मानिबा से होचंती मानव तेणु एठी विवेकी से प्रतिनिधि अर्थ सर्वस्व से होचंती निधि प्रति एठी गोटे मन रखंतु जे विवेकी ताकु प्रतिनिधि बोली कह जाए जे अर्थ सर्वस्व से निधि प्रति बोली कह जाए तेणु करी भीष्मक भाषा रे आसे आपण देखिबे श्रीमद् भगवत गीतार योग योग वेदांगेता प्रधान पुरुषेश्वर तेणु महाप्रभु कथार उत्कलमणि गोपबंधु सुंदर भाव वर्णना करशेष उत्कले नाही प्रयोजन ए जातिर नेता निजे नारायण तेणु भारतर प्रथम दर्शन अद्वैत जहाँ कर्ता स्वयं शंकर श्रीमद् भगवत गीता भगवान अद्वैत अमृतर वर्षा तेणुक निगमानंद भाषा शंकर मत चैतन्य पथ तेणु राम नामर महिमा एवं भारतर अनेक रामायण वक्ता ही शंकर जदियो गोस्वामी चारिघाट कथा कही प्रति घाटर वक्ता माने समस्ते होती शंकर शिष्य आपण आउ गोटे कथा देखिए आज हूँ राम नामर कथा आपण चिंता करूँ ये राम नामर कथा आसे आपण राम शब्द आपण निजे जड़े जड़े राम कारण आम निजे जड़े जड़े शीतल प्रतीक आम निजक आम चिन्ह पारे
निजकु जदि आमे देखिबा आम शरीर आत्माराम रूप से विद्यमान आपण चिंता कले निजर ना आपण गोटे बढ़िया कथा देखु निजर ना धरी नियंतु आपणकर जहाँ भी ना हो आपण नारायण ताकू दुईरे गुणी दिंतु दुईरे गुणी की चारे गुणतु ता देहरे दुई मिशातु दुई मिसाइके आठ रे भाग करतु देखिबे माने जोटा कि आउ माने भाग फल आवश्यक नाई भाग शेष रहइबो दुई जहाँ हूँ राम यार अर्थ कौन ना आपण देखु ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारिज गले से दीज किए से चारिज ना भाज्य राम भाजक भरत भाग फल शत्रुघ्न एवं भाग शेष होती लक्ष्मण आउ गोटे देखिए अन्य कथा कर्म आउ गोटे कथा देखिए कौन ना जी श्रीराम से होती ज्ञान भरत होती भक्ति लक्ष्मण होती वैराग्य सीता होती शांति शत्रुघ्न होती कर्म तेणु आमे माने ज्ञान भक्ति वैराग्य शांति कर्म को केबे परित्याग करिबा नाही जदि सुचारू रूप से आम परिचालना करिबा राम को खोजिबा आवश्यक नाही आम आत्माराम आम को निश्चित भाव में मार्गदर्शन करदेव आहरी गोटे कथा देखिए अन्य पावरे राम ज्ञान लक्ष्मण वैराग्य सीता भक्ति पुणी अन्य गोटे दर्शन राम लक्ष्मण सीता न्याय देखिए राम ब्रह्म लक्ष्मण जीव सीता माया राम लक्ष्मण बीच सिया सोहई कैसे ना ब्रह्म जीव बीच माया जैसे बढ़िया सुंदर भाव में महाप्रभु पाखक कारण भीतर नीति हिसाब से दर्शन करने को महाप्रभु पाक जावा तेणु चित्रकूट में राम जे कि कंदर्प सीता जी हूँ रति लक्ष्मण जी हूँ प्रहरी तेणुक प्रभु जो जन्म रामायण रही कौन ना प्राकट्य लीला आज जो प्राकट्य लीला से हूँ महाप्रभुंर जन्मतिथि कहा जाए बा प्रगट लीला आपड़ देखिए अहल्या कथार गोस्वामी कहते कौन प्रगट भय तब पुंज सही अर्थ कौन ना दीकर प्राकट्य कथा को जदि आसे जलरु अग्नि आसे काठरु अग्नि आसे एवं चिकिमिकी पथररु अग्नि बाहर को प्रकट कहा जाए कारण कौन ना ब्रह्म जहाँ को वेदरे अपरुषेय बोली कहती वेदांतरे तत्वमसी कहती दर्शन शास्त्र रे अज बोली कहा जाए आपण ये ब्रह्म को देखुं या कौन कहा जाए वेदरे या अपरुषेय बोली कहा जाए वेदांतरे तत्वमसी बोली कहा जाए आ दर्शन शास्त्र अज बोली कहा जाए तेणुक श्रीमद भगवत गीतार सुंदर कथा आसला नहीं प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़यो नाभि जानाति लोके मामजम व्यय तेणु ए कथा को आपण जेते बेले देखिबे एठी गोटे श्रेष्ठ कथा चरु वर्णर जेते बेले पाइले समस्ते एक भाग कैकेयी एक भाग कौशल्या मात्र सुमित्रा व्रतरे थिबारु दुई जण दुईक भागरु एक एक भाग दबा एठी दुईटी कथा आसे बांटिबा वशिष्ठ ऋषि हाथ एठी महाप्रभु यज्ञ रु ही सृष्टि होती तेणुक रामायण रे त्याग आपण देखिबे एटी सपतणी भेदभाव ना तीन राणी दशरथंकर मुख्य राणी जो तीन राणी कथा आसे कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कौशल्या कैकेयी पाई सारिबा परे किछि किछि मतरे चरुआउ ना दुई जण जाक निज निज भागरु आउ किछि मतरे देला बेळकु गोटे पक्षी चिल उड़े नहीं जाइछि जहाँ को किछि किछि मतरे कहा जाए जहाँ को आपण माने नौकेसी बा केक्सी ताको ग्रहण करिछि एवं ता परे कहा जाए जे विभीषणकर जन्म होइछि ये गोटे प्रसंग कारण रामायण सत गोटे अपारा ये गोटे कथा रे तेणु ये दुई जण जाक देइछन्ती आनिकी माने उभय कैकेयी एवं कौशल्या निज निज चरुरु दुई थर ये दे निज भागरु सी निज भाग देबारु ये जामा जमज पुत्र माने दुई जण जाँला पुत्र जे कि जन्म नेइछन्ती लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तेणु एटि श्रेष्ठ कथा होची जा भी उना काई कि एठारे त्याग होची सबुठारु बलिष्ठ रामायण त्याग दुई राणी कर चरुरे लोभ न रही बिना लोभरे ये महाप्रभु बसी कौन अच्छी लोभ आसक्ति प्रश्न उठे देखीदेला पर आउ कौती लोभ लगुच केवल तांकरी शरीर लोभ तांकरी आखिरे लोभ लगुच आखि देखा मन सदा बेले कहि कौशल्या कैकेयी एक एक जन्म सुमित्रांक दुई होई
कथाटा कड़े सुंदर आसिले जेउ दिन प्रभु गर्व को आसंती समग्र भारत धन्य सही दिन ठारू तिनी राणी जाक तेजरे हेले अनन्य जड़े गर्भवती नारी सौंदर्य अधिक थाए सुंदर देखा जाए कारण ब्रह्म को से धारण करी थाए दुईटी ब्रह्म निज मध्य शरीर ब्रह्म से आउ गोटे ब्रह्म को धारण करी थाए दुई ब्रह्म कथा ये आसी जहाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कथा आसे परवर्ती पर्यायर आपण देखिबे जेतेबेले अद्वैत सिद्धांत अद्वैत दर्शन कथा आसे शंकराचार्य अद्वैतवाद तापरे रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद आसे ब्रह्म भी सत्य जगत मध्य सत्य काहीकि ना ब्रह्म आउ जगत निज उभय उभयंकर स्थिति बजाय रखिंट कारण ब्रह्मर स्थान जगत में जगत नथिले ब्रह्मर सत्ता उपलब्धि करिवंतानी एवं ब्रह्म नथिले जगत जड़वत होता से कौन है नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र बढ़िया कथा नौमी तिथि मधुमास मधुमास कौन ये होची बसंत समय अति रसमय राहस पवन बोहिला बसंत समय ये चैत्र मास फाल्गुन चैत्र बसंत रे मृदु मलय मन हरे मध्य दिवस अति शीत नाघामा पवन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस महाप्रभु ठीक मध्य दिवस रे काहीं आसंती आपण आश्चर्य होई जिबे मध्य दिवस आसीबार कारण कौन जानी बढ़िया पूरा गंडी समय ये चैत्र मासरे खरा थाई मध्य भगवान श्रीराम जन्म होती शीतल प्रदान करिसंती देखुचंती ये महाप्रभु पतित पावन बसिचंती सबू देखुचंती सबू शुणुचंती किंतु तांको कार्य सी करुचंती नयन सूर्य चंद्र नेत्र सूर्य वंशरे श्रीराम चंद्र वंशरे श्रीकृष्ण सूर्य वंशरे महाप्रभु श्रीराम आसंती चंद्र वंशरे महाप्रभु श्रीकृष्ण आसंती तेणु सूर्य वंश एवं चंद्र वंश ये दुईट वंश से जोबले श्रीराम एवं श्रीकृष्ण आसती ये कथा को नहीं महाप्रभुंर अग्निवंश से परशुराम जन्म तीन राम कथा आसे तीन राम कथा आसे किए से ना राम बलराम परशुराम सूर्य वंश से राम जन्म चंद्र वंश से बलराम जन्म तीन राम कथार एवं अग्निवंश से परशुराम जन्म तेणुक मध्य दिवस अर्थ कौन ना मध्य सम्मति सबुठारु बलिष्ठ जेमिति गोटे गछर गंडी ही बलिष्ठ जो गंडी द्वारा महाप्रभुंर अवयव प्रस्तुत करा जाए महाप्रभुंर अवयव मान वृक्षर गंडी ही प्रस्तुत करा जाए तेणुक गंडी थोक पूजा करा जाए कि स्थान मानक देखिए मारांगुरु महापुरु कही काठ गंडी को पूजा करती आठ बढ़िया कथा आसे रथजात्रा करती आषाढ़ मास के गुंचा रथ रथे विजे कले जगतनाथ आगे बलभद्र मध्य भवानी पछरे आसती दूती गो सारंग पानी मोडाल खाइरे अर्थ ये मारांगुरु कही काठ गंडी को पूजा करवा अर्थ मध्य भाग तेणु ये महाप्रभु मध्य भाग मध्य समय रे महाप्रभु आसी आउ गोटे कथा प्रातः मध्यान संध्या मध्य भाग अन्य कथार जदि गोटे गछर मूल आपण मूल काटिदेवे पाखर जिते सब पाखर अच्छा ताले कौन ना गछपत्र बढ़ीजे अगर काटे ताले से ही गछ आहरी शाखा प्रशाखा मेलिजी मझीर काटिले से गछटी मरीज ना पाख बढ़े ना आग बढ़े कितु मध्य समय जोबले मजबूत रुहे भातर टकमक अवस्था से कौन कै ना से समय मध्य समय देखिए जे सबुर बलिष्ठ हो मध्य तेई छन राम मध्य धनु तोरा जेतेबेले महाप्रभु श्रीराम भांगिले धनुष भग्न बा धनु यज्ञ को गले यज्ञ कहा जाइछि ताले से कौन कर ना मध्य धनु मझीरु भांगी देले आग पछ भांगी ना मझीरु भांगी गला तेणु मझी जहाँ मध्यान समय अति बलिष्ठ समय सूर्यंकर मध्य प्रखरतार समय किंतु से समय रे मधुमास अति शीत मध्य नाही कि अति गरम मध्य नाही लोक माने विश्राम रे अछंती तेणुक निजर मध्य अवस्था
सूर्य प्रचंड समय रे मध्ये सूर्य कूल रे प्रभुंकर जन्म बढ़िया कथा ये आसी आपण देखिबे महाप्रभुंकर ये जन्म तिथि रे एते सुंदर कथा जेतेबेले आपण देखिबे जे समस्त देवता माने स्तुति कले महाप्रभु काहेकि ना सेपटे रावण रो बहु प्रकार प्रादुर्भाव रावण रो जो प्रादुर्भाव मुनि ऋषि ठारु कर आदाय करिबा जा इंग्रेज माने जिजिया कर लगे थे कर आदाय कौन ना रक्त को माने रक्त संग्रह करवा मुनि ऋषि मैंने खाई पी फलमूल खाई नाली टमाटो भाई आई एगुड़ा सब रक्त आदाय कर ये हूँ रावण रावण क्या कहुए जो रावण जार दर्शन कहीं ना दिन रखती कारण अन्य को दुख दबार जे गंताघर तेणु यही सुंदर कथा महाप्रभु श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मंदिर भितर एवं अनुरोध करी आम गहन अच्छा शेषदेव महोदय ये कथा को आग को आगे बढ़े ने तेब दर्शक बंधु जीवा पूर्व अधम आपण मानक से गोटे कथा कह हाय हालो छाड़ू जय जगन्नाथ कहतु जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री।